जैसे ही हम मूल निवासी शब्द यूज करते हैं तो सीधे उसमें एक हिडन मैसेज है, हम मूल निवासी कहते हैं तो इसका निश्चित मत है कि इसमें कोई विदेशी भी है, हमारे देश में विदेशी भी है। तो ये हमारे लोग बाद में समझ पाते हैं, इसलिए 25 साल लगा, ब्राह्मण इसको तुरंत समझ गया भाई ये मूल निवासी कह रहे हैं तो निश्चित रूप से ये हमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम विदेशी घोषित होने वाले हैं। और जिस दिन विदेशी घोषित होंगे तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है भाई यहाँ शक आए, घूण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, जितने भी विदेशी आए, टाइम टू टाइम कुछ समय तक उन्होंने राज किया, उसके बाद वो चले गए, लेकिन देर और सवेर हमें भी जाना पड़ेगा। ये उनके दिमाग में बहुत पहले ही क्लिक हो गया था, हमारे लोगों को 25 साल लगे, उनको शुरू के 2-3 साल में क्लिक हो गया था। और वो पूरी कोशिश लगा रहे हैं, पूरी रिसर्च विंग खोली हुई है कि मूल निवासी हम लोग भी ही के मूल निवासी है, हम कोई कहता है हम कुछ दिनों बाहर चले गए थे फिर वापस आ गए, कोई कहता है नहीं नहीं हम ही के मूल निवासी है, वो अपने आप में नई नई कहानियां गढ़ते हैं। जैसे वो वेद और पुराण गढ़ा है उन्होंने, उसी तरह से इसके खिलाफ उनकी बहुत बड़ी टोली लगी हुई इसको डेली कुछ ना कुछ इसका सत्यापन करने में लगे हैं कि हम लोग ही के हैं। लेकिन साथियों ये संभव नहीं है, उनके जो पुरखे हैं उन्होंने खुद ही लिखित में दस्तावेज बनाया है, तिलक ने खुद ही कहा है आर्य लोग हम लोग वहां से आए हुए हैं, उनके जो प्रथम ब्राह्मण प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू उन्होंने खुद ही अपनी किताब में लिखा हुआ है भारत एक खोज में कि आर्य लोग वहाँ से खैबर के दर्रों से होते हुए घूम कर जाते यहाँ आए, और पूरी दुनिया में ये रिकॉर्डेड में आ गया है। और सबसे सोने में सुहागा का काम तब हुआ जब 2001 में डीएनए टेस्ट किया, अमेरिकन विश्वविद्यालय के साइंटिस्टों ने डीएनए टेस्ट किए, प्रूव कर दिया कि आर्यों का जो डीएनए मध्य एशिया वालों के यूरेशिया वालों के साथ 99% मिलता है, वो उनका इंडियन ओरिजिन के साथ कुछ नहीं मिलता है, तो ये विदेशी है साइंटिस्ट।